हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बॉस में बने कपल जो कि आज भी साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से बिग बॉस शुरू हुआ है तब से हमने देखा है कि हर साल एक कपल तो बन ही जाता है। प्यार है ही ऐसी चीज़ जिसमें किसी का बस नहीं। नंबर वन, प्रिंस नरूला युविका चौधरी। ये दोनों बिग बॉस 9 में मिले थे और प्रिंस को तो पहली नज़र में ही युविका से प्यार हो गया था और प्रिंस ने हार्ट शेप्ड का पराठा बनाकर युविका को प्रपोज कर दिया। हालांकि उस वक्त युविका ने प्रिंस को मना कर दिया था, पर बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और कुछ साल डेट करने के बाद 2018 में दोनों ने शादी कर ली। नंबर टू, सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल। ये दोनों पहली बार बिग बॉस 13 में मिले थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और इन दोनों की केमिस्ट्री भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी और फैंस ने इन दोनों को सिडनास बोलना शुरू कर दिया। बिग बॉस के ख़त्म होने के बाद भी ये लोग 2 साल तक रिलेशन में थे और कई जगह साथ भी दिखे और दिसंबर 2021 में शादी करने वाले थे, पर अफसोस 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। नंबर थ्री, आसिम रियाज एंड हिमांशी खुराना। ये दोनों भी बिग बॉस 13 में मिले थे और उस वक्त हिमांशी की इंगेजमेंट हो चुकी थी, पर कहते हैं ना, प्यार पर किसका कंट्रोल होता है। आसिम ने हिमांशी को प्रपोज कर दिया और हिमांशी को भी आसिम अच्छा लगने लगा था और हिमांशी ने अपनी शादी तोड़ ली और अभी भी आसिम और हिमांशी साथ है, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और फैंस को इन दोनों की शादी का इंतज़ार है। नंबर फोर, अली गोनी एंड जैस्मिन। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते थे और बेस्ट फ्रेंड थे, पर जब दोनों बिग बॉस 14 में गए तो दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों दोस्त से ऊपर है और बिग बॉस 14 में इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और अभी भी साथ है और खबरें आ रही है कि कुछ सालों में ये दोनों शादी कर लेंगे। नंबर फाइव, राकेश बापट एंड शमिता शेट्टी। ये दोनों बिग बॉस OTT में मिले और एक दूसरे को पसंद करने लगे और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस किया। बिग बॉस OTT के बाद दोनों रोमांटिक डिनर डेट और दोनों साथ में इंस्टाग्राम लाइव आकर अपने फैंस के साथ बातें करते हुए दिखे। फिलहाल शमिता अभी बिग बॉस 15 में है और बोलती हुई दिखी कि एक साल में शादी कर लेगी। अब देखना ये है कि इन दोनों का रिश्ता कहाँ तक जाता है। नंबर सिक्स, रूबीना एंड अभिनव। इन दोनों की शादी 21 जून 2018 में हो चुकी थी, पर दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चलने लगी जिस वजह से दोनों ने डिवोर्स का फैसला किया और उसके बाद दोनों बिग बॉस 14 में आए, जहां दोनों ने साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हमें अपने रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए बल्कि एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ खुश हैं। हम ये कह सकते हैं कि बिग बॉस ने इन दोनों के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। नंबर सेवन, ईशान एंड मायशा। ये दोनों पहली बार बिग बॉस 15 में मिले और बिग बॉस के हिस्ट्री का ये फास्टेस्ट पेयर है। इन दोनों को एक दूसरे से 5 दिन में ही इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि सब सवाल उठाने लगे और बोलने लगे कि बिग बॉस के बाहर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, पर ये दोनों अभी भी साथ हैं और एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं। नंबर एट, करण कुंद्रा एंड तेजस्वी प्रकाश। इन दोनों की पहली मुलाकात फ्लिपकार्ट के शो लेडीज़ वर्सेस जेंटलमैन में हुई थी और ये दोनों जब बिग बॉस 15 में आए तो करण के दिल में तेजस्वी के लिए फीलिंग्स आने लगी और करण ने जब प्रपोज किया तो तेजस्वी ने भी हाँ बोल दिया और दोनों अभी भी साथ में हैं और फैंस करण और तेजस्वी को प्यार से तेजरन बोलते हैं और सभी को इन दोनों की क्यूट केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों की फेवरेट कपल कौन सी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।